हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक स्टूडेंट के कमेंट के बारे में कि किस तरह से आप लोगों ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं और उन क्वेश्चंस का आज हम आपको आंसर देने वाले हैं अपनी वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस हैं। अब उन क्वेश्चंस के आंसर देने की जो ड्यूटी है वो हमारी है, ओके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें। तो आज ऐसे ही एक स्टूडेंट की क्वेरी के साथ हम यहाँ पर आ गए। स्टूडेंट की क्वेरी है कि क्या हम अपने मनपसंद आंसर से स्टार्टिंग कर सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर ही हमें चलना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम सिचुएशन हमारे सामने ये खड़ी है कि हमें हम एग्ज़ाम तो अपना देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें सारी बातों के बारे में पता नहीं होता है। नॉर्मली जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। हम लोग भी अपने आंसर शीट में लिखते जाते थे, बस लिखते जाते थे, लेकिन ये पता नहीं होता था कि कैसे हमें लिखना है, कैसे हमें प्रेजेंट करना है। तो बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ों की समझ आई और आगे हमने अपने अकॉर्डिंग करना शुरू किया, ओके। तो वैसे ये क्वेरी जो है आपकी, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम अपने अकॉर्डिंग अपने मनपसंद क्वेश्चन से आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेरी गुड, आप बिल्कुल अपने मनपसंद क्वेश्चन से आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, आप जिस तरह से चाहते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहिए तो यू कैन गो फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप अपने सारे क्वेश्चन सिक्वेंस में कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि वेल एंड गुड, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन से या किसी भी अपने मनपसंद क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, वेल तो आपका मूड अच्छा रहता है, आपको पता रहता है कि हाँ मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो किया है वो बहुत अच्छे से किया है क्योंकि वो मेरा मनपसंद क्वेश्चन था। लेकिन फिर भी आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, जब एग्जामिनर चेकिंग करता है ना कॉपी की, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन अगर इधर उधर है तो उस पर ध्यान नहीं जा पाता और उसके अकॉर्डिंग शायद मार्क्स उसके कम मिल जाते हैं, या फिर ऐसा हो गया शॉर्ट की जगह पर आपने लॉन्ग कर दिया। अब एग्जामिनर को नहीं पता चला जल्दबाजी में तो आपके शॉर्ट लॉन्ग की जगह शॉर्ट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो हैं शायद कम मिल जाते हैं। कई बार ये सिचुएशन आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो, ओके। तो आंसर तो ये है कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जहाँ से आप चाहें वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बेटर ये है कि अगर आप क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में बनाकर चले। हाँ, आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन जो भी आपको लीव करने हैं उसके लिए थोड़ा अपने अकॉर्डिंग स्पेस छोड़कर आप वो क्वेश्चन कीजिए जिसको आप करना पसंद करते हैं, ओके। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के कर दीजिए, लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या उसके अकॉर्डिंग हमें, अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर कर देते हैं या पहले दूसरा कर देते हैं तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इधर उधर हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस, लेकिन वो गलती कुछ स्टूडेंट्स की ये होती है कि आंसर नंबर वो सही नहीं डाल पाते। आप जो भी क्वेश्चन सबसे पहले कर रहे हैं उसका आंसर नंबर डाल दीजिएगा, प्लस ये जरूर डाल दीजिएगा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया है या फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन किया है। जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसका नंबर और उसी के अकॉर्डिंग आपने लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है, या बिल्कुल पिन पॉइंट पर नोट कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपको मार्क्स दे, ओके। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर आपको गलत बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आंसर नंबर गलत जाता है तो वो वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एग्जामिनर आपको जो मार्क्स है वो थोड़ा कम दे देता है। तो बिल्कुल आप इजीली जो आंसर आप करना चाहते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग आप उसके साथ कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट अपने आंसर के साथ जो आप स्टार्टिंग करेंगे उसके बाद आप सारे आंसर जो है सीक्वेंस में करके आंसर नंबर डाल के और प्रॉपरली लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन है उस तरह से आप आंसर को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। इस टॉपिक में कोई क्वेरी हो आपको तो मुझे बाद में कॉमेंट्स करके बता दीजिएगा। वेल एक स्टूडेंट की कमेंट यह है कि मैम प्लीज़ अब डिटेल में समझाइए कि लॉन्ग क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ कि कैसे आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से आप लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लेकर चलेंगे, टिल एंड आप किस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंट्रोडक्शन फेस कर सकते हैं, फर्स्ट जो आपका पेज होता है उस पर आप इंट्रोडक्शन फेस दीजिए अपना, देन सेकंड आपके आपसे आगे कुछ भी पूछा गया है, चाहे आपसे मेरिट्स पूछे गए हो या डिमेरिट्स पूछे गए हो, आप पॉइंट वाइज या फिर अपने हेडिंग्स वाइज उनको डायग्राम में एक्सप्लेन करके आफ्टर दैट उनकी हेडिंग्स को आप एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में तो सारी डिटेल मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में आपको पहले ही दे चुकी हूँ, आप जाकर एक बार ये वीडियो देख सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, जिसमें आपको और भी आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा और भी आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।